नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको खरबूजे के बीजे की बर्फी बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए हम 250 ग्राम खरबूजे के बीज लेंगे, 250 ग्राम चीनी लेंगे, थोड़ी सी चिरौंजी और गरी लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल करना है। ये बीजे हमने बाजार से खरीदे हैं, ये बाजार में आपको कहीं भी खरबूजे के बीज मिल जाएंगे। अब हम इसे भून लेंगे। दोस्तों, हम खरबूजे के बीज को अच्छे से भून लेंगे। हम इस तरीके से इसको ढक सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे खरबूजे के बीज भून के तैयार हैं। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे खरबूजे के बीज भून के तैयार हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे खरबूजे के बीज पिस चुके हैं। अब हम इसके बाद चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी हमने 250 ग्राम यूज की है। दोस्तों, ये देखिए, एक तरफ हमारी चाशनी लगभग बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ट्रे में थोड़ा सा घी लगा देंगे। बर्फी एकदम चिपके नहीं और अच्छे से हमारी बर्फी बनके तैयार हो जाए। इसमें हम थोड़े से चिरौंजी डाल देंगे, थोड़ी सी गरी डाल देंगे। अब इधर देखिए, हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। हम इसको चेक कर लेंगे। इसमें तार देखिए बनना स्टार्ट हो चुका है। अब इस तरीके से इसको चेक करें, इसमें तार बन रहा है अच्छे से। डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सचर चाशनी के साथ अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर से हमारी स्वीट में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा स्मेल आता है। अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम अपनी स्वीट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब ये खरबूजे के बीज का मिक्सचर हम ट्रे में सजा लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी खरबूजे के बीज की बर्फी कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसमें थोड़ी सी गरी डाल के इसको डेकोरेट कर। इसमें थोड़ी सी आप चाहें तो ऊपर से चिरौंजी भी डेकोरेट करने के लिए डाल सकते हैं। दोस्तों, आप इस बर्फी को व्रत में भी खा सकते हैं। कभी आपको कुछ मीठा खाने को मन करे तो आप इंस्टेंट इसको बना भी सकते हैं और मेहमानों में भी सर्व कर सकते हैं। ये सभी को बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें।